सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप की। लाइक इजी टू यूज़ होंगे, इजी टू कैरी होंगे, कहीं पर भी आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, टॉप थ्री बताऊंगा जो कि आप 45,000 के प्राइस रेंज से नीचे ले सकते हो। ठीक है, 45,000 के बजट से अपर नहीं जाएंगे, उसके नीचे ही हम रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात कर लेते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूं, नंबर थ्री पे यार मैंने रखा है रेडमी की और सेल लैपटॉप। यार मैं बात कर रहा हूँ रेडमी 15e लर्निंग की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है। इसके कलर, इसका डिज़ाइन, इसके लुक वगैरह बहुत ज़्यादा सही है एंड ईजी टू यूज़ है, ईजी टू कैरी है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। नंबर थ्री पर क्यों रखा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले मैं प्राइस रेंज से स्टार्ट कर देता हूँ, आपको 41,999 के प्राइस रेंज में रेडमी 15e लर्निंग देखने को मिल जाता है। ठीक है, 15.6 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगी, एंटी ग्लेज़ डिस्प्ले है, i3 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर मिल जाता है। ठीक है, 8GB रैम प्लस 256GB SSD देखने को मिलेगी, विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन, इंटेल अल्ट्रा एचडी ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाते हैं, लाइक आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक भी मिल जाता है, USB पोर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 720p वेब कैमरा मिल जाएगा, 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है एंड 1.8kg सिर्फ इसका वेट है, तो लाइट वेट है, इतना भी हैवी नहीं है। उसके बाद ये जो कलर आते हैं इसका चारकोल ग्रे कलर में जो देखने को मिलता है एंड इसको ये कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है यार। तो अगर आप रेडमी लवर हो, आप इसी लैपटॉप की ओर जाने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, माइनस पॉइंट सिर्फ इसका ये है कि आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए मैंने नंबर थ्री पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक हैंडी लैपटॉप चाहिए ना, तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। जो बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दिया, आप जैसे करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने रखा है रियलमी की और सेल लैपटॉप। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये लैपटॉप भी नया लॉन्च हुआ है। ठीक है, एंड इसको कॉपी कह सकते हैं हम एप्पल मैकबुक की। ठीक है, सेम इनके जो डिज़ाइन लुक वगैरह आपको सेम ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, वेट वगैरह या हाइट वगैरह वो आपको सेम देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप है रियलमी की और से देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूँ तो स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, लेकिन इसका भी एक माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। ठीक है, आपको 44,999 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। वैसे ये दो कलर्स में देखने को मिलता है, ग्रे कलर में एंड ब्लू कलर में, जो कलर आपको सही लगता है भी आप उस कलर की ओर जा सकते हो। i3 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 4 इंच के साथ आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो यार इसकी डिस्प्ले क्वालिटी सच में मच बेटर होने वाली है। अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, कोरल ड्रॉ पे काम करना है, या अगर आपने 1080p पर अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है उसमें कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए ये लैपटॉप बेस्ट होने वाला है, बिकॉज इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। जितनी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होगी उतनी कलर ग्रेडिंग आप अच्छी कर सकोगे। ठीक है, 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 256GB SSD देखने को मिल जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, आप विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में, यहाँ पर प्लस पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटेल अल्ट्रा एचडी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 11 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको सुपर स्लिम डिजाइन देखने को मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, 65W के साथ टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, 720p HD वेब कैमरा मिल जाता है एंड अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ ना, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाते हैं, आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट भी मिल जाता है, 3.5mm जैक वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो डिज़ाइन लुक वगैरह इसका भी बहुत ज़्यादा सही है एंड इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है, कहीं भी आप कैरी कर सकते हो। अगर आप लाइक एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल करते हो, या अगर अपने बैग में, अपने लैपटॉप बैग में कहीं पर भी कैरी करना चाहते हो, तो भी आप इजीली इस लैपटॉप को कैरी कर सकते हो। आप जैसे करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके माइनस पॉइंट की अभी बात करने लगा। ठीक है, इसमें भी आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता, ये सिर्फ इसका माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है और कोई भी माइनस पॉइंट वैसे नहीं है। ठीक है, जो आगे लैपटॉप बताऊंगा आप उसकी ओर चल जाना, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन मतलब अच्छे चाहिए, ठीक है, अगर आपको रेडमी या रियलमी लवर हो तो आप इन दोनों लैपटॉप की ओर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन भी बेस्ट चाहिए जो आगे बताऊंगा नंबर वन पर लैपटॉप, आप उसी की ओर जाना। ठीक है, अभी जाते समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर वन की।
नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पे यार मैंने रखा है Asus VivoBook 14 को। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, ये लैपटॉप भी आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं। अपने मेन टॉपिक की बात, मतलब आपको सुपर स्लिम जो है लैपटॉप देखने को मिल जाता है। डिजाइन लुक वगैरह पसंद आएगा, ग्रे कलर इसको बहुत ही ज्यादा सूट करता है, ठीक है। अगर मैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको 1.6 kg इसका वेट देखने को मिल जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया ग्रे कलर इसको ज्यादा सूट करता है। 41,990 rupees के प्राइस रेंज में Asus VivoBook 14 देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपको बिल 45,000 से बहुत कम है ना, तो 41,000 के प्राइस रेंज में प्रॉक्सी ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। बाइंग लिंक मैंने वैसे आपको दे दिया, ठीक है। डिस्प्ले की बात करूं, आपको 14 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, i3 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाता है, प्लस 12GB तक अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर प्लस पॉइंट आ जाता है, प्लस 256GB SSD देखने को मिल जाती है, प्लस आपको SATA स्लॉट देखने को मिल जाती है, आप स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हो, यहाँ पर प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पर रखा, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं यार। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडो 10 मिल जाती है, इंटेल अल्ट्रा एचडी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाते हैं, वाईफाई एंड ब्लूटूथ की सपोर्ट भी मिल जाती है, प्लस आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिल जाता है Asus VivoBook 14 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus VivoBook 14 के, ठीक है। तो भी अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है, तो भी आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, स्लिम एंड स्टाइलिश डिजाइन मिल जाता है, कहीं भी कैरी करना चाहते हो आप कैरी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेडमी की या रियलमी की, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, डिजाइन लुक कलर वगैरह बहुत अपर है यार, उसमें कमी नहीं है। 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर जो है माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे आप करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। अगर आप रेडमी या रियलमी लवर हो, आप उसी लैपटॉप की ओर जाने वाले हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड लैपटॉप रखना है, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, 5 से 6 साल लैपटॉप पे काम करना है, तो भाई Asus VivoBook 14 आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। आप जैसे करना चाहते हो, बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मैंने अपना काम कर लिया। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।